या हाय, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। तो आज का जो वर्कआउट रहने वाला है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि होम बेस्ड वर्कआउट पे ही डिपेंड रहना चाहिए हमेशा। अगर आपके पास कोई जिम जाने का एक पैसे नहीं है या टाइम नहीं है, जो लोग बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं अपनी लाइफ में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, और सिर्फ घर के अंदर ही डिपेंड रहते हैं होम बेस्ड वर्कआउट पे, तो उनके लिए ये चैनल बहुत बेस्ट है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कोई भी चैनल पे नया है तो। आज का जो वर्कआउट रहने वाला है, यानी कि प्योर एंड रॉ एक्सरसाइजेस रहेंगी सिर्फ और सिर्फ होम बेस्ड वर्कआउट पे, वो रहेगा आपका फोरआर्म से रिलेटेड। अब फोरआर्म से रिलेटेड चार एक्सरसाइजेस रहने वाली हैं इस रूटीन में। इस तरीके से वेरिएशंस रहेंगे, किस तरीके से आपके पास वेरिएशंस के साथ साथ आपको रेपिटेशंस, रेंज ऑफ मोशन, आपका एक्साइटमेंट, आपका जितना भी एडवांटेज होगा घर के अंदर करने का, उस पर सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो गाइज, अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी, आपके पास रॉड नहीं है तो आप डंबल से भी ये वाली एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलो, मैं कोशिश करूंगा कि दोनों से बताया जाए आपको, ताकि आपको अगर दोनों चीजें नहीं है तो आप किस तरीके से अपने ब्रिक्स से ये वाली एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने ये वाले पार्ट को ट्रेन करेंगे। बहुत इजी है, बहुत इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज है, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, तो करके देखना। वेट मैंने लाइट ही लगाया है, पांच और पांच के प्लेट्स हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इन्हीं से करके दिखा देते हैं आज आप लोगों को। तो चलो, ये इस तरीके से आपको रखना है हाथ, यहाँ पे हाथों को रखना है स्टिक करके, और ये इस तरीके से, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अब इस पे मैं डंबल से भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये इस तरीके से रखना है डंबल को, और सिंपल जैसे स्कूटर चलाते हैं, इस तरीके से सिंपल आपको करनी है ये एक्सरसाइज। इसमें मैंने आपको कोई हेल्प लेकर नहीं दिखाया है। अगर आप बिगनर हो, लाइट वेट से भी करने में इशू आ रहा है, तो सिंपल यहाँ पे हाथ रखें और ये पूरा जो एरिया रहेगा बहुत अच्छे से डेवलप होगा आपका। तो चलो, इसके लिए ना आप लोगों ने कम से कम चार सेट और रेपिटेशन रहेंगे आपके 12। चलते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज से फोर आर्म्स को ट्रेन करने। सेकंड एक्सरसाइज रहेगी, वो भी रोड पे करेंगे। अब रोड पे करने का एक ही फायदा है, क्योंकि हमारे पास और कोई इक्विपमेंट है नहीं, तो फायदा सिर्फ इसी से ही मिल सकता है, या फिर अपने डंबल से। तो चलो, तो दूसरी एक्सरसाइज रहने वाली है, वो भी रोड से करेंगे। करेंगे अपने फ्रंट हेड को ट्रेन। अब किस तरीके से आपकी पोजीशन रहेगी, किस तरीके से रेंज ऑफ मोशन रहेगा, वो देख लेना आप लोग। बाकी मैं साइड बाय साइड आप लोगों को बताता रहूंगा पैरेलली ड्यूरिंग द वर्कआउट। बट अगर आपकी स्ट्रेंथ कम है या अगर आप बिगनर हो, तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग प्लीज लाइट वेट रखें। लाइट वेट रखोगे तो आपको नॉलेज मिल जाएगी, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। दूसरा, आप कनेक्ट कर पाएंगे उस मसल के साथ अपनी वर्कआउट को, ताकि आपको कॉन्फिडेंस और अच्छे से आए और आप अच्छी वर्कआउट करना सीख जाए। बेसिकली आप वर्कआउट करना सीख जाए, एक्सरसाइज को किस तरीके से परफॉर्म करना है वो सीख जाए, मेरा मुद्दा ये है। तो चलो, वेट अपना सेम रहेगा, इस तरीके से आपको पकड़ लेना है, और ये अब हमारे पास हाथ पे, हाथ को कहीं पे स्टिक करने के लिए कोई रॉड, कोई प्लेट नहीं है, कोई बेंच नहीं है, कोई स्टूल नहीं है, तो हमें जो बनाना है इसमें खुद से ही अपनी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी हाथ की। तो चलो, इस तरीके से रख लेना, और ये इस तरीके से सिंपल है। बर्डन पूरा आएगा, हिट पूरा आएगा, पंप पूरा आएगा आपको आपके, ये इस तरीके से, ये बहुत अच्छे से डेवलप कर पाओगे आप। करके देखना, मजा आएगा आप लोगों को, सीरियसली बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें आप लोगों को कोई हेल्प मिल नहीं रही है। ज्यादातर मैंने आप लोगों को बताया होगा इस तरीके से भी रख के बता सकता था, बट मैं चाहता हूं कि आप अपना टाइम लगा रहे हो, अपना इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, तो आपको जो एक्सपीरियंस मिले वो बिल्कुल रॉ, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी फालतू टेक्निक के। आपको जो एक्सरसाइज करवा रहा हूँ ना मैं, वो बेस्ट एक्सरसाइज है। आप घर के अंदर, पार्क के अंदर, छत पे, कहीं भी बैठ के कर सकते हो बिना किसी इक्विपमेंट के। बस आप रॉड उठाएं, डंबल उठाएं अपना, या फिर ब्रिक्स उठाएं,
बेस्ट एक्सरसाइज है। चलो इसके लिए आप लोगों ने 4 सेट और पर सेट पे एटलीस्ट 12 रेपिटेशन ले। चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे ट्रेन करने। तो गाइज अपनी जो थर्ड एक्सरसाइज रहेगी, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप बाइसेप्स या फोरआर्म अपनी एक्सरसाइज करें तो उसमें एक एक्सरसाइज ऐसी करो जिसमें आपके बाइसेप्स और फोरआर्म्स दोनों 50% या 70-60% मैच होके अच्छे से हिट हो, दोनों एंगेज हो, ताकि आप पूरा दिन अपना पूरा आर्म पंप रख पाए और उसके साथ डेवलप होगा। तो चलो वही एक्सरसाइज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो रहेगी डंबल से इस तरीके से लेकर आए। और ये सिंपल है, हमने देखो डंबल को इस पोजीशन में पकड़ा, ये लेकर आए, यहां तक एंगेज हुआ हमारा बाइसेप्स, अब हमने ट्विस्ट करा, अब हुआ हमारा फोरआर्म, ये इस तरीके से ये टर्न, एंड यहां पे हमने बाइसेप्स को हिट करा, यहां पे हमने अपने फोरआर्म्स को हिट करा, बाइसेप्स फोरआर्म्स, बाइसेप्स एंड फोरआर्म्स, ये देखना भी गाइस, यहाँ पे बाइसेप्स को हिट करा, नाउ इंगेज योर फोरआर्म्स, बाइसेप्स एंड फोरआर्म्स। इस तरीके से आप एक ही एक्सरसाइज में अपने पूरे फोरआर्म्स को, यानी कि अपने पूरे आर्म को, बाइसेप्स को भी कर सकते हो, अपने फोरआर्म को भी ट्रेन कर सकते हो। तो चलो इसके लिए ना आप लोगों ने कम से कम 4 सेट और रेपिटेशन रहेंगे 15। तो चलो चलते हैं अपनी लास्ट और फोर्थ एक्सरसाइज पे। तो गाइस अपनी जो लास्ट एक्सरसाइज रहेगी वो करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को डंबल से। अब डंबल से करने का एक ही फायदा रहेगा, क्योंकि इस पे ग्रिपिंग अच्छी बन जाती है, दूसरा आपका वेरिएशन अच्छा बनेगा, तीसरा आप अपनी उसी मसल को, उसी एरिए को, फोरआर्म के उसी मसल एरिए को आप बहुत अच्छे से हिट भी कर पाएंगे इस पे पर्टिकुलरली। तो चलो रखना अपने हाथों को और सिंपल, इसमें क्या होगा, यहां तक कोई मूवमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि आपके रिस्ट और एल्बो, एल्बो से नीचे का जो पूरा एरिया रहेगा, रिस्ट और एल्बो के बीच का जो एरिया रहेगा पूरा, वो पूरा इंगेज करेंगे आप इस पे। जब आप ऐसे जा रहे हो तो ये वाला मसल इंगेज हो रहा है, और जब ऐसे जा रहे हो तो ये वाला मसल। तो बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है ये, आप अपने रूटीन में ज़रूर ऐड करें अपने फोरआर्म्स को ट्रेन करने के लिए। अब अगर ये वाली एक्सरसाइज से आप बोर हो गए हो तो यहाँ पे रखें, और ये उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें आपको और ज़्यादा इंगेजमेंट मिलेगी, इसमें और ज़्यादा आप लोगों को प्रेशर मिलेगा, इसमें और ज़्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे अपने फोरआर्म मसल को। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, करके देखना गाइस। तो चलो ये थी 4 एक्सरसाइजेस आप लोगों के लिए इस वाले वर्कआउट में फोरआर्म से रिलेटेड। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएंगी, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं घरेलू यानी कि होम बेस्ड वर्कआउट से लेता रहता हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई एक्सरसाइजेस के साथ, नई वेरिएशंस के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। चलो टेक केयर, बाय बाय।